नमस्कार, आज का प्रोजेक्ट है संज्ञा और उसके भेद। चलिए दिखाते हैं संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने लिया है तुलसीदास, रामचरितमानस, हिमालय, महात्मा बुद्ध और श्री राम को। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने लिया है मनुष्य, किताब, जैसे बहुत सारी किताब होती है ये जाति है, घर, बहुत सारे घर है, अध्यापिका, अध्यापिका बहुत सारी है, ये एक जाति में आता है, गन्नी। अब हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा के अंदर जैसे बचपन, खटास, मिठास, खुशी, मित्रता, इन सबको हमने भाववाचक संज्ञा में लिया है। यह हमारा प्रोजेक्ट है संज्ञा और उसके भेद, जिसे बनाया है आदित्री अग्रवाल ने। धन्यवाद।